केशव प्रसाद मौर्य ने कर दी सीएम की बेइज्जती, गुस्से से लाल हुए योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी में भड़ गया है घमासान। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से यूपी की टॉप लीडरशिप में अनबन की तस्वीरें चल रही हैं। इनके बीच की खींचतान लगातार जारी है। कई मौकों पर सीएम योगी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, जो काफी सवालों में रहा। हालांकि विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक के दौरान सीएम योगी के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी ने थोड़ी तो राहत की सांस ली होगी, मगर अब एक बार फिर केशव मौर्य को बगावत पर उतरते देखा गया है। दरअसल हाल ही में बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक के दौरान दिए गए बयानों के अलावा बीजेपी के अंदर सियासी घमासान की तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय बनी रही। इस बैठक में पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक पहुंचे थे, लेकिन उनके बैठक से वापस जाने का समय काफी चर्चा में रहा। हुआ ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस वक्त मंच पर आने वाले थे, उसी वक्त दोनों ही डिप्टी सीएम मंच से उठकर चले गए। अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम योगी के मंच पर आने की जानकारी कार्यक्रम में दी जा रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री के मंच पर आने की जानकारी दी जाती है, दोनों डिप्टी सीएम अपनी जगह से उठते हैं और मंच से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच पर इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कही जिनके मायने निकालने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। साल 2014 और साल 2017 में यूपी में सरकार नहीं थी, मगर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती। इस बार सरकार थी तो थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास में आ गए। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ एक बार फिर वही बात दोहराते दिखे जिसने बीजेपी में मतभेद की खबरों को हवा देने का काम किया। बताते चले कि इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौर्य ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है, और अब तो कह रहे हैं कि सरकार नहीं जीतती बल्कि पार्टी की जीत होती है। सवाल ये उठता है कि एक ही बात दोहराकर केशव प्रसाद मौर्य क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसा करके वो योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की जुगत में लगे हैं? बहरहाल इस बात का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। वैसे इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डेली न्यूज़ यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।